हाय एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अनदर एपिसोड ऑफ जीटीए गाइस। इस बार हम जा रहे हैं 11th एपिसोड प्ले करेंगे। जैसे कि मैंने एक स्पेशल एपिसोड स्टार्ट किया गाइस, जो अजीब दिखने वाली चीज़ रहती है और कोई स्पेशल चीज़, उस चीज़ का हम टूर करने वाले और जीटीए का हम पूरा सिटी टूर करने वाले। तो एक और हम खास जगह पर आ चुके हैं। यहाँ पर चिल करने के लिए दो लोग बैठे हुए हैं और एक छोटा सा पूल टाइप सा बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। और ये लेडी को आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं नज़दीक में आया, मेल तो बैठा था लेकिन लेडी उठ के चले गए। अब ये क्या, ये मेल भी चले जा चुका है। और इधर ऐसा है कि कट ट्री है, काफ़ी सारी कट ट्री है वुडन, जो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसके पास जाकर देखता हूँ क्या, और मुझे गुस्सा आया, इसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो मैं इसके साथ भिड़ गया और आप देख सकते हो हम लोग दोनों की भीड़ चालू हो चुकी है। और इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मार चुका था, तो मैंने इसका डायरेक्ट मर्डर खेल ख़त्म कर दिया। और मैं उसको ढूंढ रहा था कि कहाँ गया वो, लेकिन मुझे दिखा नहीं वो किस साइड गया। और इधर आप देख सकते हैं एक और चेयर है, इधर पे भी दो लोग बैठे आराम से चिल कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इधर से ऊपर जाने को, ऊपर क्या चीज़ है। तो मुझे हो सकता है एक और अजीब सी चीज़ इधर देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने 4x4 कार के साथ ऊपर जाया जाए। तो मैं देखता हूँ मेरी कार, मुझे लग रहा है ऊपर चली जाएगी, क्योंकि 4x4 है, इंजन इसका काफ़ी हैवी है, वॉइस कार का काफ़ी तेज़ है। तो मुझे लगता है कि चले जाएगी, रुकेगी तो नहीं। इधर आप देख सकते हो चले जा चुकी है, और ऊपर देखते हैं ये कहाँ तक जाती है गाड़ी। तो मुझे लगता है इधर तक मुझे स्टॉप करना पड़ेगा ये 4x4 को। और ब्रेक काफ़ी अच्छा है यार, और सब कार तो नीचे आने स्लाइड होने लगती है। तो अभी इधर से मुझे पर जाना पड़ेगा इधर से। और आप देख सकते हैं ये कुछ अजीब सा जगह है, जहाँ पे जॉगिंग एंड वॉकिंग कर रहे, माउंटेन का कुछ कटिंग करके बनाया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा जगह है, छोटा सा जगह नहीं है। और एक और नई जगह पे हम आ चुके हैं, जहाँ की एक मुझे सी दिख रहा है, ओशियन टाइप सा, और उधर ऑयल का कुछ, तो माइनिंग ऑयल का कुछ रिसोर्सेस उधर निकाल रहे हैं उधर। और इधर एक ब्यूटीफुल सा सन का सीन है। तो मैं क्यों ना सोच रहा हूँ इसको फोटो के साथ कैप्चर कर लिया, और मैंने जितनी भी अच्छी चीज़ थी मैंने कैप्चर कर चुका। और ये जो बोट आ रही है इसको भी मैं कैप्चर करूँगा। और ये कैप्चर होने के साथ हम एक और नई जगह पे जाएंगे अभी। और जैसे कि हम इधर से दूर से देख रहे, तो मैं एक और नज़दीक में जाके भी दिखाऊंगा गाइस ये किस तरीके का रहता है। तो अभी फ़िलहाल इधर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं एक और जगह पे आ गया हूँ जहाँ नज़दीक से हम देखने वाले हैं। और इधर कुछ इवनिंग का टाइम हो चुका है, हम मॉर्निंग में स्टार्ट किए थे गेम और इवनिंग हो चुका है। तो इवनिंग का ये कुछ सीन है, और ये रेड कलर का वही चीज़ है जिसको हम दूर से देख रहे थे, अब हम इसको नज़दीक से देख रहे गाइस। तो कुछ इस तरीके का ये दिखता है, और इधर कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ देखने को नहीं है। वो इसके लिए था ताकि वो क्रेन है, और वो ऑयलिंग का ये सब का वो करते हैं सी में। और ये जो गाइस जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये जगह काफ़ी अच्छा है। और इधर एक स्टार भी, अगर वांटेड लेवल मेरा बढ़ जाएगा तो मैं इधर से स्टार ले सकता हूँ। और इधर का स्पेशल चीज़ गाइस ये है कि मैं इधर से बाइक भी अपनी स्टंट करवा सकता हूँ, अगर पुलिस बाय चांस मेरे पीछे है। और पुलिस ज़्यादा करके इतने ऊँचे पे कभी नहीं आ सकती। आप देख सकते हो मैं इतने ऊँचे पे हूँ कि मुझे पूरी सिटी दिख रही है इधर की, जीटीए की। तो आप देख सकते हो, और ये जो था रेड या मरून कलर का, एक और इधर स्टार है। तो मैंने स्टार, मुझे इतने दूर से आप देख सकते हो दिख चुका है, और दो क्रेन भी दिख रही है। और मून आ चुका है, यानी नाइट हो चुका है गाइज, मॉर्निंग से नाइट हो चुकी है। और आप देख सकते हो ये जो पूरा पोर्ट है, इधर शायद मुझे लग रहा है पूरी बोट भी हो सकती है, बड़ी बड़ी बोट स्टीमर। तो मुझे शायद दिख रहा है वो साइड कोई तो स्टीमर उधर होएगी। तो गाइज ये जो ये साइड है, एक और वो साइड भी, इसके अपोजिट साइड में भी ऐसा सेम ग्रिल है, और ये काफ़ी यूनिक सब बनाया गया है। और मुझे लगता नहीं था कि इधर एक स्टार भी होगा और मैं इधर जा पाऊंगा, तो मुझे यूनिक लगा इसके लिए मैं इधर आ गया। तो हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनी के और भी जाएंगे और देखते हैं वो कैसा रहता है। और इधर आप देख सकते हो ट्रैफिक जैम लगे, ट्रक भी इधर काफ़ी यूनिक है, ट्रक इधर की भी, इस एरिया में ज़्यादा करके ट्रक और बड़ी बड़ी कार ही दिखती हैं। तो हम एक और नए जगह पे गाइस आ चुके हैं, आप देख सकते हो इधर एक स्टीमर है बड़ी सी, और मुझे स्टीमर के अंदर जाना है। हम बोट बोल सकते हैं, शिप बोल सकते हैं, और शिप काफ़ी ऊंची बिल्डिंग भी इस पर बनी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा जगह होने वाला है, और मुझे शिप पे जाना है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है गाइस इस एपिसोड में मैं आपको शिप पे ना जाके दिखा पाऊँ, नेक्स्ट एपिसोड में दिखा पाऊँ। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना रहेगा मेरे चैनल को। तो अभी मुझे लग रहा है ये स्टोर रूम है, यानी जो भी इतने बड़े शिप से आता होगा तो इधर स्टोर होता होगा। तो
मेक श्योर गाइस आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।